एक सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पॉसिबल है? और ये पॉसिबल है तो सच में तब आप ईवी कार खरीदते हैं, कोई सी भी हो वो, डजंट मैटर। क्या आप जनरेटर कैरी करते हैं साथ में तो उसे कहीं भी चार्ज कर सकते हैं? हम लोग कहेंगे यार जनरेटर का खर्चा इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे अच्छा तो मैं पेट्रोल वाली कार ना लूँ कि मुझे 5 मिनट रिफिल करने में लगते हैं और मैं डायरेक्टली यूज़ कर पाता हूँ। तो दोस्तों तो ये भी गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आने वाला फ्यूचर ईवी का है और आपको पावर स्टेशन भी अब जगह जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ पे आपको पावर स्टेशन नहीं मिलते और अभी उम्मीद है कि अभी 10-12 साल लग जाएंगे वहाँ तक कि आप कोई लंबे टूर पर जाते हैं, तो एक सब्स्टिट्यूट ऑप्शन आपके पास क्या देखने के लिए मिलता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हमने लिया है टाटा टियागो ईवी वेरिएंट में, जो कि एक्सई रेंज में आपको देखने के लिए मिलती है अराउंड 8.5 लाख रुपए की, 8,49,000 रुपए इसका प्राइस सेगमेंट आपको पड़ता है। बात करी जाए तो इसकी जो वन टाइम रेंज है, मतलब इस कार को आप एक बार फुल चार्ज कर लेते हो, ये आपको 250 किलोमीटर तक का एवरेज दे देती है। तो अब जो लॉन्ग ट्रेवलर हैं, तो आप 250 किलोमीटर एक बार चलाने के बाद एटलीस्ट 1 से 2 घंटे रेस्ट जरूर करते हैं, और 1 से 2 घंटे रेस्ट करने के बाद आपकी कार कितनी रिचार्ज हो जाती है और आप नाइट स्टे कहीं करते हैं 250 किलोमीटर चलाने के बाद, तो क्या आपको, मतलब होटल में रुक रहे तो वहाँ पे तो आपको चार्जिंग पॉइंट मिल ही जाता है, और जो इसका चार्जिंग टाइम है वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जैसे कि बात करें, इसमें आपको 2 चार्जिंग ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो पोर्टेबल चार्जर मिल जाता है लुक लाइक दिस, कि ये आप कहीं पे भी नॉर्मल आप घर में इलेक्ट्रिसिटी पे बोर्ड पे भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आपकी 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो यहाँ पे ये सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और दूसरा आपको मिलता है वॉल बॉक्स चार्जर, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि बात करें, रेगुलर चार्जर आप 15 एम्पीयर वाले से करते हैं तो अराउंड 6 घंटे बात की जाए तो अराउंड 7 घंटे के करीब आपको इसका चार्जिंग टाइम देखने के लिए मिलता है, जो कि 15 एम्पियर में आता है। 15 एम्पियर 220 वोल्ट इज इक्वल टू अराउंड 3.5 किलोवाट, और 3.5 किलोवाट को आप 7 घंटे में कन्वर्ट करते तो मतलब आपका बिजली का बिल 100 रुपये भी नहीं आता फुल चार्ज करने में कार का। और यही आप 250 किलोमीटर की बात करें तो 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से भी इसका एवरेज निकालते तो आप 250 किलोमीटर पे कन्वर्ट करते हो तो अराउंड 1200 रुपये का फ्यूल लग जाता है, जहाँ पे हमारा चार्जिंग कॉस्ट जो है मात्र 100 रुपये पड़ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें आपको मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शन भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आपको 3-फेज चार्जिंग वॉल बॉक्स देखने के लिए मिलता है, जो कि इसका चार्जिंग टाइम घट के मात्र 2.5 घंटे रह जाता है, जिसमें जो सप्लाई चाहिए होती है वो 7.2 किलोवाट की चाहिए होती है। ये 3-फेज के साथ ही पॉसिबल है। और तीसरा ऑप्शन और ज़्यादा इंक्रेडिबल है इसका, जो कि डीसी चार्जिंग पॉइंट है। ये आपको नॉर्मली स्टेशन पे या चार्जिंग स्टेशन पे ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा स्पीड में चाहिए होती है और जो इसका चार्जिंग टाइम है मात्र 58 मिनट बचता है, मतलब 1 घंटे से भी कम में ये फुल चार्ज हो जाती है। उस कंडीशन में तो ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती आपको देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करें जनरेटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही हम इस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि एक्चुअली क्या कि हम कहीं लंबे टूर पे जाते हैं जो कि 1200-1500 किलोमीटर दूर है, तो हम इस जनरेटर के सहारे से मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, और अभी कर सकते हैं, प्लीज सब्सक्राइब। बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तब आप जनरेटर ले रहे हैं तो कितने किलोवाट का चाहिए, कितने एम्पियर चाहिए, तो हम पोर्टेबल चार्जर के साथ ही मूवेबल करेंगे। दैट मीन्स ये है कि हमें 15 एम्पियर की सप्लाई चाहिए, जो कि अराउंड 3.5 किलोवाट पड़ती है। अब यही हम बात करें जनरेटर, एटलीस्ट हमें 4 किलोवाट का चाहिए होगा। और सबसे अच्छा फीचर मुझे इस जनरेटर में ये लगा कि रिमोट स्टार्टेड है, मतलब ये नहीं है कि आपको खींचना है या प्लग ऑन करना है, क्योंकि नॉर्मली हैंडमेड जो जनरेटर होते हैं छोटे कॉम्पैक्टेबल वो खींचने वाले होते हैं, लेकिन ये जनरेटर सबसे अच्छा ये है कि चाबी से डायरेक्टली ऑन हो जाता है, जो कि एक अच्छा फीचर है। लेकिन फिर तब आप लंबे टूर पर जाते हो तो बहुत ज़्यादा सामान भी होता है आपके पास, तो क्या ये इतना कॉम्पैक्टेबल है कि कार की डिग्गी में आ जाता है? जो इसका मतलब डायमेंशनल वो बहुत ज़्यादा छोटी है। जो इसके आपको लेंथ देखने के लिए मिलती है वो 630 mm की देखने के लिए मिलती है, अराउंड 0.5 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा। और इसकी जो विड्थ है वो आपको 460 mm देखने के लिए मिलती है, 0.5 मीटर से भी कम। और जो इसकी हाइट है वो अराउंड आपको 0.5 मीटर देखने के लिए मिलती है, 625 mm। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 9 लीटर का है मात्र, मतलब यह है कि आपको पेट्रोल साथ में और कैरी करना पड़ेगा। अब हम इसे 50% इसके लोड कैपेसिटी के अनुसार चलाते हैं तो ये अराउंड 12 घंटे तक चल सकता है। तब हम 3.5 किलोवाट पे इसे फुल नहीं कहेंगे, 80% कैपेसिटी के साथ चलाते हैं तो ये 6 से 7 घंटे के अराउंड रनिंग में रहेगा। और
इसकी जो जनरेटर की कॉस्ट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है तो हमारी फ्यूल की कॉस्ट। अब वही वाली बात है कि 9 लीटर के अराउंड 900 रुपये हो गए, कहीं ना कहीं फ्यूल कंजम्पशन आपका इक्वल बैठता है तब आप लॉन्ग रेंज पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है फिर तो आपको पेट्रोल कार से ही मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि तब आप लॉन्ग रेंज में जा रहे हैं तब आपकी कैपेसिटी जो है वो फ्यूल टैंक पे ज़्यादा निर्भर रहेगी, तब आपको इस तरीके की जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये जनरेटर का जो प्राइस है अराउंड आपको 1,20,000 रुपये का पड़ता है, लेकिन ये बहुत कम रेंज में भी इंडिया में मिल जाते हैं, बहुत हैवी रेंज में भी जो हमने ऑनलाइन सर्च करा ये 1,20,000 रुपये के अराउंड पड़ रहा था। लेकिन ये है कि और ज़्यादा कॉम्पैक्टेबल खरीदते तो फिर वो चार्जिंग प्रॉब्लम रहती है कि वो आपको 3.5 किलोवाट या 4 किलोवाट तक नहीं दे पाते। तो यहाँ पर बात करी जाए तो जनरेटर के साथ जो इसकी लाइफ है इज नॉट पॉसिबल कि आप इसे जनरेटर के साथ कैरी करते, क्योंकि जो आपकी फ्यूल कॉस्ट बैटरी है 250 किलोमीटर की वो 1,200 रुपये के अराउंड बैटरी है। और यही हम बात करें क्योंकि जो चार्जिंग टाइम है इसमें अराउंड 7 घंटे लगने वाले हैं, और 7 घंटे में ये खुदा ना खास्ता 9 से 11 लीटर पेट्रोल खा लेता है, तो सेम आपकी कॉस्ट जो नॉर्मली पेट्रोल कार है उसके बराबर पड़ जाती है। लेकिन हाँ, आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट मिल रहा है यूज़ करने के लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल थिंग है। फिर तो आपको जो कॉस्ट है वो अराउंड 250 किलोमीटर की 100 रुपये की पड़ जाती है। लेकिन आप जनरेटर के साथ कैरी मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इसके फीचर हैं वो बिल्कुल मैच नहीं करते इससे। अच्छा तो फिर वो है कि फ्यूल कार, ऊपर से जनरेटर भी कैरी करना, उसका खर्चा भी, मेंटेनेंस भी, जो कि अराउंड आपको पेट्रोल कार की तरह मिलता है। तो यहाँ पे जो लोग सोचते हैं कि हाँ जनरेटर कैरी कर लेते हैं छोटा कॉम्पैक्टेबल जो कि साथ में मूव ऑन होता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई थी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।